बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर सर जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस प्रकार श्री जी दीप बंदर के पश्चात नवी पोरबंदर पाटन मंडई इत्यादि होते हुए ठट्ठानगर पहुंचते हैं। ठट्ठानगर में कुछ दिन रह करके लाठी बंदर, फिर वहां से जहाज पर चढ़ते हैं। 17 दिन तक चलने के बाद उल्टी तूफान आने की वजह से पुनः ठट्ठानगर पहुंचते हैं। और उसके बाद अब जब उन्हें यह अंतः प्रेरणा हुई कि ठट्ठानगर में अभी ब्रह्म सृष्टियों की जागनी बाकी है, तो वहीं पर जागनी का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। वहीं पर श्री जी चर्चा करते हैं और उसी चर्चा के क्रम में किस प्रकार चिंतामणि जी से मुलाकात होती है, कैसे चिंतामणि जी के साथ कमाल की साखी पर चर्चा होती है, किस प्रकार कमाल की साखी का सही अर्थ बताने के बाद कबीर जी की साखी एक पलकते गंगजो निकसी हो गई चहु दिस पानी, इस पर चर्चा होती है। और किस प्रकार चिंतामणि जी के अंदर जो अहंकार का बीज मात्र था उसे भी श्री जी खंडनी के द्वारा समाप्त करते हैं। जब चिंतामणि जी कहते हैं कि मुझे अकेले में समझाना, कुछ भी कहना हो, आप डांटना हो, खंडनी करना हो, आप अकेले में समझाना या फिर इशारे में कहना, तो वहाँ कीर्तन का अवतरण होता है। सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाई, जिसे पढ़ करके चिंतामणि जी कहते हैं कि अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, सेवको आगे तब कह मैं खाली कछु ना खबर। अब कल की अंतिम चौपाई में श्री जी ने चिंतामणि जी की सराहना की थी। क्या कहते हैं, तब श्री जी ये सराहिया श्याबास चिंता मन पाई ते निस्बत ए सुकन मोमीन, ए सुकन मोमीन कहिया श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत। अब चिंतामणि जी के जितने सेवक थे उन सभी सेवकों के साथ श्री जी ने चिंतामणि जी को तारतम ज्ञान दिया। और तारतम देते हुए क्या कहा, चार बातों का आपको परहेज करना है, चार व्रत आपको रखने हैं, चार चीजों का आपको पालन करना है। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, कहते हैं व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दृढ़ संकल्प के द्वारा ही दीक्षा की प्राप्ति होती है। और किसी भी संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। श्री जी ने तारतम्य ज्ञान देने से पहले चिंतामणि जी और उनके सभी शिष्यों को यह चार बातों का परहेज कराया है। वैसे तो यहाँ नाम केवल चिंतामणि का है, लेकिन आगे आने वाले सभी जो जागरी के लिए आगे बढ़ रहे थे उन सबके लिए यह नियम है कि कोई भी सुंदर साथ बनना चाहे, कोई भी सुंदर साथ में शामिल होना चाहे, तो ये नियम अनिवार्य है। ये जरूरी नहीं है कि जिन बातों का जिसे परहेज कराया गया वो वैसा करता होगा। यहाँ पर जिन चार बातों का परहेज कराया है उसमें सबसे पहला है मांसाहार। तो ये जरूरी नहीं कि चिंतामणि जी मांसाहार करते होंगे, पर तारतम देने से पहले सबको सामूहिक रूप से कि यदि कोई करता हो तो वो ना करे। तो सबसे पहला नियम क्या बताया, एक हराम कहिया मांस को, हराम अर्थात पाप, मांस खाना, मांसाहार करना पाप बताया है। हर वह व्यक्ति
जो अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है उसे अपने हृदय में दया भावना विकसित करना अनिवार्य है। यदि आपका हृदय कठोर है तो आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपका हृदय कठोर है, आपकी आपकी थाली में किसी निरीह प्राणी का, अबोध मूक प्राणी का लाश है और आप मुंह से धर्म की बड़ी बड़ी बात करते हैं तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्तित्व के लिए मांसाहार का त्याग करना पूरी तरह से अनिवार्य है। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म। इसकी दूसरी पंक्ति है धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन इसका अर्थ लोगों ने गलत लगाया है। ये दो चरण है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसका अर्थ क्या लगाते हैं? वैसे तो अहिंसा परम धर्म है, पर धर्म के नाम पर हिंसा करना भी धर्म है, और ऐसा कहते हुए धर्म के नाम पर विभिन्न प्राणियों की बलि दी जाती है, जबकि इसका भाव क्या है कि अहिंसा परमो धर्म का भाव है कि आपको अकारण ही मन वाणी और कर्म से किसी चींटी जैसे छोटे से छोटे प्राणी का भी, उसकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च का भाव ये है कि यदि किसी की आत्मरक्षा करनी हो, यदि किसी के प्राण बचाने हो, तो वहाँ पर हिंसा की जा सकती है। जैसे अगर कोई एक आतंकवादी है, कोई लुटेरा हत्यारा है जो 10, 20, 50, 100 लोगों को मार सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उस एक व्यक्ति को ही मार दिया तो क्या है? ये धर्म हिंसा है। ये हिंसा भी धर्मयुक्त है, लेकिन ऐसा करने का अधिकार सबको नहीं है। ऐसा करने का अधिकार किसको है? जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो राजा है, या जो संविधान है उस संविधान के आधार पर है। आज के युग में देखा जाए तो पुलिस है, फौज है, सेना है, उनको इस बात का अधिकार है। वरना कोई भी व्यक्ति इस तरह से हथियार उठाएगा, अपनी खुन्नस उतारेगा और कहेगा कि मैं तो धर्म रक्षा कर रहा था। आज संप्रदाय को ही लोगों ने धर्म मान लिया। अगर यहाँ धर्म हिंसा तथैव च का गलत अर्थ किया जाए तो क्या होगा? मुसलमान जो हिंदुओं को मार रहा है वो भी धर्म के नाम पर मार रहा है, फिर तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। और हिंदू जो है अगर धर्म के नाम पर हिंसा कर रहा है, प्राणियों की बलि दे रहा है, तो वो भी गलत है। तो धर्म हिंसा तथैव च का भाव ये है कि आत्मरक्षा के लिए, जैसे कोई जानवर आ गया, मांसाहारी जानवर जो आपको मार सकता है, लेकिन अगर आपके पास हथियार है तो आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए आप मार सकते हैं, क्योंकि आपकी योनि भी, मनुष्य जो योनि है वो 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिली है। अगर आपने अहिंसा का गलत अर्थ लगा करके सोचा कि नहीं मुझे हिंसा नहीं करनी और आप मर गए तो क्या होगा? आपका मानव जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। इसलिए यहाँ आप आत्मरक्षा के लिए हिंसा कर सकते हैं, पर इस तरह से बिना किसी बात के, केवल जीभ के स्वाद की पूर्ति के लिए, केवल इंद्रियों के स्वाद की पूर्ति के लिए आपको एक चींटी को भी नहीं मारना चाहिए। वो है अहिंसा परमो धर्म। और मांसाहार जो है वो है पूर्ण रूप से हिंसा। हिंसा के बिना मांस प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो कई बार लोग इस प्रकार कहते हैं कि हम नहीं मारते, हम तो खरीद के ला के खाते हैं, इसलिए हमें पाप नहीं लगेगा। खरीद के खाने में क्या अर्ज है? हम तो बाजार से लेकर के आ रहे हैं, हम हिंसा थोड़ी कर रहे हैं। मनुस्मृति क्या कहती है? अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता च उपहर्ता च खाद कश्चेति घातका। जो मांसाहार के लिए जीव हत्या की अनुमति देता है, जो उस बात का विश्वास करता है, जो जानवर को मारता है, जो बेचता है, खरीदता है, पकाता है, परोसता है और खाता है। कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार।
आदेश देने वाला, उसको विश्वास करने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला। इस तरह आठों प्रकार के लोगों को समान रूप का पाप लगता है, ये मनुस्मृति का कथन है। क्योंकि कारण के न रहने पर कार्य भी नहीं रहता है। आप खा रहे हैं, इस कारण से काटने का कार्य हो रहा है। यदि आप न खाएं, यदि आप खाना ही बंद कर दे तो कसाई क्यों काटेगा? तो इसीलिए केवल खरीद के खाने वाला नहीं, सभी पाप के भागीदार हैं। काटने वाला अगर पाप का, अगर पैसा देकर के खरीदने वाला पाप का भागीदार नहीं है, केवल काटने वाला पाप का भागीदार है, फिर तो कोई ये कहे, मान लीजिए कि आपको मारने के लिए कोई व्यक्ति सुपारी दे देता है, किसी को कहता है कि फलाने, किसी व्यक्ति को कि 5 लाख रुपए दे करके फलाने की हत्या कर दो, तो उसमें सजा किस किस को मिलेगी? केवल गोली चलाने वाले को मिलेगी या पैसे देने वाले को भी? दोनों को मिलेगी ना। क्यों? पैसा देने वाले ने गोली तो नहीं चलाई है, हत्या तो किसी और ने की है। इसका मतलब क्या है? जो मोटिव है, जो उकसाने का कार्य हुआ है पैसा दे करके, वो भी बराबर के पाप का भागीदार है। इसीलिए कोई ये कह करके नहीं बच सकता कि हम तो दुकान से खरीद कर लाते हैं। खरीदने वाले को भी उतना ही पाप लगेगा, पकाने वाले परोसने वाले को भी उतना ही पाप लगेगा। और मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? मनुष्य का भोजन है शाकाहार। मांसाहार राक्षसी भोजन है। मांसाहार उन मांसाहारी प्राणियों का भोजन है। चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, हर दृष्टि से मनुष्य को मांसाहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य जब पैदा होता है वो शाकाहारी ही पैदा होता है। आप किसी 2 वर्ष के बच्चे को सामने, उसको अगर चाकू दे दीजिए और सेब जैसा फल या केला जैसा फल दे दीजिए, या फिर उसके बगल में एक खरगोश या फिर बकरी जैसे कोई भी प्राणी को रख दीजिए, वो क्या करेगा? सेब उठाएगा कि खरगोश या बकरी को खाने जाएगा? बच्चा क्या खाएगा? सेब ही उठाएगा, ठीक है। तो मनुष्य साधारण रूप से जब पैदा होता है वो शाकाहारी ही पैदा होता है। जिह्वा के वशीभूत होकर के जिन लोगों ने मांसाहार करना शुरू किया है, वो फिर अपने बच्चे को भी मांसाहारी बनाते हैं और कहते हैं कि मांसाहार अगर नहीं करोगे तो तगड़े कैसे होगे? अगर तुम्हें स्वस्थ होना है तो मांस खाने की जरूरत है। मांस खाओगे, अंडा खाओगे, तभी तो तुम्हें प्रोटीन मिलेगा, तभी तुम्हारे शरीर की जो कमी है उसकी भरपाई होगी। जबकि ऐसा नहीं है। शाकाहारी प्राणी हो चाहे शाकाहारी मनुष्य हो, उन्हें हर प्रकार के न्यूट्रिशन की प्राप्ति वनस्पतियों से हो जाया करती है। जैसे उदाहरण के लिए, इंसान अगर प्रोटीन पाने के लिए बकरी को खाता है, बकरी प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करती है? बकरी के शरीर में जो प्रोटीन जमा हुआ है वो कहाँ से हुआ है? घास खाने से ही तो हुआ है ना। घास, पत्ते, वनस्पति, इन सब से हुआ है। इसका मतलब प्रोटीन का स्रोत है। तो फिर तुम सीधे वनस्पति खाओ, तुम सीधे साग सब्जियां खाओ, जिससे सीधे प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। कोई ये कहे कि मांसाहार खाने से ताकतवर होता है व्यक्ति। आप देखिए, जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? शेर नहीं है। जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी हाथी है, सबसे बड़ा भी है। एक शेर हाथी को नहीं मार सकता है। हाथी को मारने के लिए कम से कम 10-12 शेर चाहिए होता है। वो भी कभी कभी एक आध बार 10-12 शेर मिलकर के एक हाथी को मार पाते, वरना नहीं मार सकते। और हाथी क्या खाता है? हाथी तो घास खाता है, वो तो शाकाहारी प्राणी है। जंगल में सबसे तेज बुद्धि वाला प्राणी माना जाता है बंदर को। तो इसका मतलब ये है कि बुद्धि के लिए, बुद्धि के विकास के लिए जो चीज चाहिए वो भी वनस्पति से मिल रहा है, फल इत्यादि से मिल रहा है। चीता भले ही बहुत तेज दौड़ पाता हो, लेकिन वो 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं दौड़ सकता है। और घोड़ा तेज भी दौड़ता है और निरंतर दौड़ता है।
इसीलिए अगर हमें मशीन वगैरह की मजबूती को नापना हो, उसकी पावर को नापना हो, तो हम उसको हॉर्स पावर में नापते हैं, ठीक है। और घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा घास वनस्पतियां ही खाता है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि चने खाता है, चने सिर्फ फोटो खिंचवाने के टाइम पे दिया जाता है, जब वो शादी वादी में होते हैं ना, बाकी घोड़े को चना रोज थोड़ी दिया जाता है, वो तो घास खाता है, उसी से उसको प्रोटीन प्राप्त हो रहा है, उसी से वो इतना ताकतवर बन रहा है। हम आज से 15-20 साल पहले तो खेतों में बैलों से जोता करते थे, अब ट्रैक्टर वगैरह का जमाना है ना, और वो बैल जो दिन भर खेत में काम कर पाता था वो क्या खाता था? कुश्ती जब करने जाते हैं, जो पहलवान कुश्ती का अभ्यास करते हैं, तो वहां अखाड़े के आसपास हनुमान जी की मूर्ति बनी होती है या हनुमान जी की फोटो लगी होती है। हनुमान जी कैसे थे? हनुमान जी क्या खाते थे? शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे? हनुमान जी शाकाहारी है। चक्र सुदर्शन धारी जो गोवर्धन पर भारी थे कृष्ण जी, वो क्या थे? शाकाहारी थे। राम थे शाकाहारी। अच्छा, जब राम की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो, राम अगर शाकाहारी होते तो उन्होंने हिरण को क्यों मारा? लेकिन राम ने हिरण को नहीं मारा है, राम ने किसको मारा है मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो मारीच आया था राक्षस, वो भी हिरण के रूप में नहीं था। वाल्मीकि रामायण में महामृग शब्द प्रयोग किया है। मृग का अर्थ केवल हिरण नहीं होता है, वहां पर ना उसकी स्वरूप का वर्णन किया है कि वो कैसा था, मारीच कैसे रूप में आया था। तो श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, तप्त जिह्वो लपलपाती जिह्वा वाला। लपलपाती जिह्वा वाले हिरण नहीं होता है, जो मांसाहारी प्राणी होता है ना शेर जैसा, उसकी जीभ लपलपा रही होती है, ठीक है। तप्त जीवो महाकायो विशाल शरीर वाला, महाद्रंष्टो भयंकर जबड़े वाला। हिरण का जबड़ा भयंकर होता है क्या? नहीं। महाबलह बहुत बलशाली, विचचार दंड कारण्य मांस भक्षी महामृग। दंड कारण्य में मांस भक्षी महामृग था, हिरण मांस थोड़ी खाता है, तो वहां वो शेर के रूप में आया था। और राम क्योंकि क्षत्रिय है, राजकुल से संबंधित है, और जो शेर प्रजा का नुकसान करे, प्रजा के पशुओं को खा जाए, तो उसकी हत्या करने का अधिकार क्षत्रिय राजा के पास या राज परिवार के पास होता था, इसलिए उन्होंने शिकार किया। वरना उन्होंने कहीं पर मांस खाया हो ऐसा वर्णन नहीं है, वो तो कंदमूल खा करके जीवन गुजारा करते थे। तो अच्छा, बाली अंगद ये सब क्या खाते थे? अंगद जिसका एक पैर जब लंका पे जमा दिया तो पूरे लंका का कोई भी पहलवान, कोई भी राक्षसी सेना का सेनापति तक, या यहाँ तक कि स्वयं रावण भी सामने आया था, कोई उसके पैर को हिला नहीं पाया। ऐसे अंगद इत्यादि कौन थे? वन में रहने वाले वानर जाति के मनुष्य थे जो शाकाहारी थे। आज के युग में भी जो अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, वे बहुत सारे अब शाकाहार की तरफ धीरे धीरे मुड़ रहे हैं। चाहे आज क्रिकेट खेलने वाले हैं, विराट कोहली है, शिखर धवन है, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो शाकाहारी हैं, उनको तो कोई कमजोरी नहीं लग रही है। फिल्म में एक्टिंग करने वाले बहुत अच्छे अच्छे जो एक्टर हैं, चाहे विद्युत जामवाल हो, चाहे जॉन अब्राहम हो, आज सबसे ताकतवर लोगों में इनका नाम आता है। इंडिया में जो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज चला है वो इन लोगों से चला है। और विद्युत जामवाल का नाम तो विश्व के सबसे ताकतवर लोगों में नाम आता है, सबसे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट में नाम आता है। ये सभी शाकाहारी हैं। तो इसका मतलब यह है कि शाकाहार से मनुष्य कमजोर नहीं होता है। मांसाहार तो रोगों का घर है। जो मुसलमान दिन रात मांस खाते हैं, मांस के बिना उनका गुजारा नहीं होता है, वो भी उनकी हदीस में भी ऐसा लिखा गया है कि गाय का दूध पियो वो शिफा के समान है। शिफा कहते हैं अमृत। घी खाओ क्योंकि वो दवा के समान है। और मांस जो है वो रोगों का घर है। आपने आज तक ऐसी कोई महामारी का नाम सुना है जो शाकाहार से शुरू हुआ हो?
सुना है? और मांसाहार से शुरू होने वाली कोई महामारी सुनी आपने? कोरोना कैसे शुरू हुआ? किसी ने चमगादड़ खाया, कोरोना शुरू हो गया। मांसाहार से शुरू हुआ। बर्ड फ्लू नाम की महामारी चली किसी समय में, हजारों लोग मारे गए। स्वाइन फ्लू चला, प्लेग चला, ये सभी कहीं ना कहीं मांसाहार से संबंधित है। तो चाहे कोरोना हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, ठीक है, ये सभी चले हैं तो कैसे चले हैं? मांस खाने के कारण। आज के डॉक्टर भी अब तो ये बताने लग गए हैं कि जो नियमित रूप से मांस का सेवन करता है उसे हार्ट अटैक की जो संभावना है वो लगभग 70-80% तक बढ़ जाता है। तो इसीलिए शारीरिक दृष्टि से भी मांसाहार अनुचित है, आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो मांसाहार नियमित रूप से करने में एक साधारण व्यक्ति तो सक्षम नहीं होता है, महंगा ही पड़ता है। और दूसरा कि एक जानवर को वयस्क बनाने में, जब तक इंसान उसको खाने लायक समझता है उतना बनाने में, एक जानवर को कई 100 किलो अनाज खिलाया जाता है, और उसके बाद कई 100 किलो अनाज खिला करके बड़ा करने के बाद फिर उसको कितने लोग मिलके खा पाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मान लो एक बकरी को अगर कोई खाते हैं तो कितने लोगों का परिवार उसमें चलता होगा? 10 लोग खाते होंगे कुल मिला करके। और उस बकरी को जो अनाज खिलाया गया है जल्दी जल्दी मोटा करने के नाम पर, अगर वो अनाज खाते तो कितने लोगों का भरण पोषण होता? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इसका बहुत अच्छा विवरण दिया है कि एक गाय अपने जीवन भर में कितने लोगों का पालन पोषण कर सकती है। जब तक दूध दे रही तब तो दे ही रही है, अगर औसत 5 लीटर भी प्रतिदिन दूध दे, एक समय में दिन में 10 लीटर होता है, ठीक है। और कितने साल तक गाय दूध दे सकती है? लगभग 8-10 साल तो दूध देगी कम से कम। और इतने साल में कितने लोगों का पेट भर सकती है? और उसके बाद भी वो जो खाद इत्यादि देती है, गौमूत्र इत्यादि देती है, उसका हिसाब किताब अलग है। और अगर उसे कोई इंसान काट के खाता है तो क्या होगा? बकरी का भी वैसे, हर जानवर का ऐसा ही है। वास्तव में ये जो पशु परमात्मा ने बनाए हैं ये मनुष्य के सहयोगी हैं, खाने के लिए नहीं, मनुष्य के जीवन यापन में सहायक हैं, पर्यावरण के संतुलन में सहायक हैं। और कुछ जो तथाकथित बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि अगर हम ये मुर्गियों को बकरियों को काट करके नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी और पूरी पृथ्वी इससे ढक जाएगी। शेर को तो कोई काट के नहीं खाता है, डायनासोर को किसी ने काट के नहीं खाया, सब खत्म हो गए। पर्यावरण अपना संतुलन बसाती है। और वास्तव में देखा जाए तो ये जो जानवर जिनको काटा जाता है, जिनको सताया जाता है ना, इस कर्म का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि इस संसार में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप देखेंगे जहां जहां पर भी पशुओं के साथ अत्यधिक क्रूरता हुई है वहां वहां पर प्राकृतिक आपदा आई है। आपने देखा आज से लगभग 10 साल पहले नेपाल में जिस स्थान को केंद्र बिंदु बना करके भूकंप आया था, वहां उसके बिल्कुल नजदीक एक साथ हजारों भैंसों की बलि दी गई थी। अभी कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मेरे ख्याल से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, भारत के ही वायनाड नाम के स्थान में जमीन धस गई और कई लोग उसमें मारे गए। वहाँ क्या हुआ था आपको पता है? खुले में, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम है, वहाँ खुले में गाय को काट करके लोगों ने बांटा था, बंटवारा किया था। और हाथी, क्योंकि गाय को भी हिंदू पूज्य मानता है, हाथी को भी वो गणेश कह करके सम्मान देता है, तो हाथी के सूंड में बम बांध करके, बड़े बड़े वो पटाखे बांध करके फोड़ा गया था और वो क्षत विक्षत हो गया था, शायद वो मर भी गया था। और आज क्या हुआ? जमीन धस गई और लोग मर गए। तो ऐसा होता है इस संसार में।
आप अगर यहाँ पर भी कुछ कोई भी शब्द भी बोलेंगे ना, इस शब्द का प्रभाव इस ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक पहुँचता है, तो सोचिए कि कर्म का प्रभाव आप तक लौट करके आता है कि नहीं आता है। इसीलिए हर दृष्टि से मांसाहार जो है वो अनुपयुक्त है। तो श्री जी ने इसीलिए कहा कि एक हराम कया मांस को, मांसाहार जो है वो पाप है। पर्यावरण की दृष्टि से भी मांसाहार बहुत अधिक नुकसानदायक है। सोचिए कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि 1 किलो मांस को तैयार करने के लिए कम से कम भी कई हजार लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और उतने में अगर 1 किलो वनस्पति को तैयार करना हो तो पानी कितना अधिक लग रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस जो कि हमारी ओजोन परत को नियमित रूप से समाप्त कर रही है, उन सब का उत्सर्जन मांसाहार में बहुत अधिक होता है। इसीलिए पर्यावरण की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक हर दृष्टि से मांसाहार जो है वो अनुपयुक्त है। इसीलिए प्रत्येक आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए कि वह मांसाहार का त्याग करके शाकाहार को अपनाए। अब दूसरा जो पाप बताया गया है वो है शराब। शराब पीना पाप है। अब कोई ये सोच सकता है कि शराब पीने में तो हिंसा नहीं होती है। कई लोगों के मन में ये बात आती होगी कि ये तो फलों से बनाया जाता है, चावल से बनाया जाता है, कई जगह पर महुआ से बनाते हैं, कई जगह पर कोदो से बनाते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं, तो इसमें तो हिंसा भी नहीं हो रही है, पाप नहीं हो रहा है, फिर इसके लिए क्यों मना किया जाता है। तो वास्तविकता ये है कि शराब पीने में पाप नहीं है, पर पीने के बाद पाप कर्म की शुरुआत होती है। क्योंकि शराब पीने के बाद में, क्योंकि वो नशा है, नशे से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद वो पाप कर्म करता है। आप कहीं किसी जेल में जाके देखिए, जिस जेल में अपराधी बंद हो, उनमें यदि आप 100 लोगों को पूछेंगे कि आपने ये अपराध क्यों किया, आपको पता चलेगा कि 60 लोग जो होंगे उन्होंने नशे की हालत में अपराध किया होगा। वो जन्मजात अपराधी नहीं है, नियमित अपराध नहीं किया है, पर नशे की हालत में थे और नशे में उनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो उनसे अपराध हो गया। चाहे कोई भी अपराध हो, लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, ऐसी कोई भी घटना होती है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो मूल है वो है नशा। सिर्फ शराब का ही नहीं, हर तरह का नशा ये पाप का मूल होता है। इसलिए शराब पाप नहीं है, शराब पाप की जननी है, इसलिए उसको पीना मना किया जाता है। अब कुछ कुछ बुद्धिमान होते हैं, आजकल के जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो कहते हैं कि देखो हम तो कंट्रोल में पीते हैं, तो कंट्रोल में पीने में क्या हर्ज है। शुरू शुरू में सबको यही लगता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पीछे बाबूजी बैठे हुए हैं, आपने कभी जीवन में जब सबसे पहले बुखार आया होगा और अगर पैरासिटामोल की गोली खाई होगी तो शायद उस समय वो 250 mg का होगा। आज से 15 साल पहले तक वही पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम का, 500 mg का मिलता था, और आज वही पैरासिटामोल डोलो 650 के नाम से मिलता है, 650 मिलीग्राम। इसका कारण क्या है कि मनुष्य का शरीर अब उसका आदि हो गया है, तो 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम से काम नहीं करता है, इसलिए हम 650 मिलीग्राम खाना पड़ता है। इसी तरह से जो आज ये कह रहे हैं कि हम तो 2 ढक्कन पीते हैं और सो जाते हैं, इसलिए हम तो गलत नहीं हैं, इतना तो किया जा सकता है, इतना तो डॉक्टर भी हाँ बोल देते हैं इतने अल्कोहल के लिए, तो वास्तव में क्या होता है, आज आपको 2 ढक्कन पीने से नींद आ रही है, धीरे धीरे क्या हो गया, वो 2 ढक्कन का आदि बन जाएगा शरीर, और फिर 2 से 3, 3 से 5, उसके बाद में फिर पहुआ, फिर अद्धा, फिर खंबा, समझ रहे। तो इस तरह से डोज बढ़ता ही जाएगा, और फिर क्या होगा, जो भी व्यक्ति शराबी होता है
आपको पता है इस समाज में कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर लोगों को ये पता चल जाता है ना कि ये व्यक्ति शराब पीता है, तो उसकी बात का कोई विश्वास ही नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, भले ही उसके पास में पीएचडी की डिग्री ही क्यों ना हो। आप समाज में किसी बड़े पद पर भी हो, उसके बाद भी अगर आप शराब पीते हो और लोगों को पता हो कि ये शराब पीता है, तो आप सच भी बोल रहे होंगे, आप कोई गंभीर बात भी कह रहे होंगे, आपकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेगा, कहेगा कि ये तो शराबी कुछ भी बोलता रहता है, समझ रहे। तो जो व्यक्ति शराब पीता है या किसी भी तरह के नशे करता है, न उसके घर में उसकी इज्जत होती है, न समाज में उसकी इज्जत होती है, बुद्धि का नाश हो रहा है सो अलग, और बुद्धि का नाश होने से उस मनुष्य का नाश होता है। क्या कहते हैं, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। मनुष्य मनुष्य क्यों है, बुद्धि के कारण। अगर बुद्धि ना तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। और जो मनुष्य नशा करता है उसकी हालत पशु जैसी होती है, और कभी कभी तो पशु से भी गए गुजरी होती है। कोई पशु भी नाले में मुंह डाल करके नहीं रह सकता है, और शराबी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि सुनने में हो सकता है आपको बुरा लगे पर सच है। कोई पशु, क्योंकि वैसे तो उसको पता नहीं होता है इसलिए हो सकता है उससे गलती हो जाए, लेकिन जानते हुए जानबूझ करके कोई भी पशु अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार नहीं कर सकता है, पर नशे में अगर कोई व्यक्ति हो तो वो कर सकता है। आपने ऐसी घटना सुनी होगी कि पिता ने ही अपनी पुत्री का बलात्कार किया, भाई ने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया, ऐसा कैसे संभव हुआ, नशे की हालत में। बिना नशे के कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए नशा पापों का मूल है, पाप ही नहीं है, पापों का मूल है। इसीलिए श्री जी ने कहा कि शराब जो है वो पाप है। मांस पहला, दूसरा शराब, तीसरी औरत बिरानी तजे, अब तीसरा जो पाप है वो क्या बताया, परस्त्री गमन करना। तो तीसरा बंधन क्या है, तीसरा नियम पराय स्त्री का त्याग करना, पराय स्त्री को माता की दृष्टि से बहन की दृष्टि से देखना। यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। देखिए ब्रह्मचर्य अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो ये हो गया कि सामान्य रूप में लोग किसे ब्रह्मचार्य समझते हैं, अगर किसी ने शादी नहीं की तो वह ब्रह्मचारी है, वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतस्करण पूरी आत्मा से ब्रह्म में विचरण करना, ये ब्रह्मचर्य है। और यदि आपने एक विवाह किया है और अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहते हैं, दूसरी स्त्री को माता या बहन की दृष्टि से देखते हैं, तो आप गृहस्थी होने के बावजूद भी ब्रह्मचारी हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, एक आख्यायन, एक दंत कथा प्रचलित है। कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे, उनको किसी नदी को पार करके, शायद गंगा नदी है, नदी को पार करके दूसरी तरफ जाना था। अब उस समय पुल इत्यादि की व्यवस्था तो थी नहीं, कैसे जाते, या तो नाव इत्यादि से जाते, पर उनके 10,000 शिष्य थे। अब 10,000 शिष्य कैसे जाए, कृष्ण जी साथ में थे। कृष्ण जी ने यह संकल्प किया, कहते हैं कि यदि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, अगर मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो ये नदी रास्ता दे दे। नदी ने रास्ता दे दिया था और दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पार कर गए। फिर अब क्योंकि नदी को बंद भी करना है, जो रास्ता दिया है चालू, नदी का प्रवाह चालू करना है, तो उन्होंने संकल्प लिया कि यदि मैंने पूरे जीवन भर घास फूस खा करके अपना जीवन गुजारा किया है, दूब खा करके अपना गुजारा किया है, तो ये जो रास्ता है वो बंद हो जाए। तो वो रास्ता बंद हो गया और नदी सुचारू हो गई। अब उनके शिष्यों ने पूछा कि दोनों बातें गलत हैं, कृष्ण जी विवाहित हैं, 8 पत्नियां हैं उनकी, पटरानियां, लोग 16,108 रानी कहते हैं, और एक उनका पुत्र भी है प्रद्युम्न नाम से, तो वो ब्रह्मचारी कैसे हुए। और इधर
जो दुर्वासा ऋषि हैं उनको तो अलग अलग राजाओं के वहाँ जाना होता है, और राजा तो दूब ला करके नहीं देते होंगे, घास फूस तो नहीं देते होंगे, उनको कई बार छप्पन भोग भी मिलता होगा। पर उन्होंने संकल्प क्या लिया था कि अगर मैंने जीवन भर दूब खाकर घास फूस खाकर गुजारा किया हो तो ये रास्ता बंद हो जाए। अब दोनों बातें उनको तो लग रही गलत है, उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, गुरु जी से पूछा कि गुरु जी ये क्या है, तो गुरु जी ने कहा देखो कृष्ण ने भले ही आठ पत्नियां की हों पर आठों पत्नियां उनकी वासना के कारण विवाह से नहीं है, उन्होंने जो विवाह किया है इसके पीछे राजनैतिक कारण है, क्योंकि वो राजा भी तो है ना, तो इसीलिए उन्होंने विवाह तो किया पर पुत्र उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए केवल उन्होंने रुक्मिणी से ही विवाह किया और उनसे एक ही संतान उत्पन्न की है, इसीलिए वो गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचारी है, क्योंकि इतना संयम कोई कर नहीं सकता है। दूसरा कि घास फूस खाने का, तो उन्होंने कहा कि मैं भले ही मेरे सामने छप्पन भोग क्यों ना हो पर मेरा उसके प्रति मोह नहीं होता है, जैसे घास फूस में खाता हूँ पेट पालने के लिए पेट भरने के लिए, वैसे ही मेरे सामने कुछ भी आ जाए चाहे कैसा भी व्यंजन हो मैं उसको केवल पेट भरने के लिए खाता हूँ, मेरा उसमें लालच नहीं होता है, इसीलिए मैं अपना संकल्प कभी भी नहीं तोड़ता हूँ। ठीक है, मैं बात कर रहा था ब्रह्मचर्य की। तो यहाँ जो परस्त्री गमन के लिए निषेध किया गया है उसका कारण यह है कि यदि मन में एक से अधिक स्त्रियों के प्रति दुर्भावना होती है या कुत्सित भावना होती है तो हमेशा उसका मन बुरे विचारों में लगा रहेगा, कहीं ना कहीं भोगवादी विचारधारा में लगा रहेगा और परब्रह्म का चिंतन वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए परस्त्री गमन को पाप कहा और कहा कि तीसरी औरत बिरानी तजे सो पावे हयातियाब, उसे अखंड का रस मिलेगा। आगे कहते हैं चोरी और झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। अब चौथी जो चीज है वो क्या है, चोरी करना और झूठ बोलना, उनका निषेध कराया गया। चोरी और झूठ बोलना एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि वचन की भी चोरी होती है और जो व्यक्ति चोरी करता है वो झूठ भी बोलता है, जो झूठ बोलता है वो चोरी भी कर सकता है, इसीलिए इन दोनों बातों का परहेज कराया गया। क्योंकि जो अध्यात्म की दिशा में जाना है, जिसको जिसको अपने हृदय में परमात्मा को बसाना है, तो झूठे दिल में तो परमात्मा नहीं मिल सकता। वाणी क्या कहती है, साचारी साहेब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा, परमात्मा सत्य है, और जो व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता है उसे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो दूसरे विकारों से भी बचा रहता है, क्योंकि वो स्वयं पर कंट्रोल कर लेगा कि नहीं मुझे तो सत्य बोलना है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जो झूठा होगा वो पाप कर्म आसानी से कर जाएगा। तो ये सभी जो कर्म है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए श्री जी ने चोरी और झूठ बोलने के लिए मना किया गया। हमारे धर्म के लक्षण में 10 लक्षणों में एक लक्षण है अस्त्य अर्थात चोरी न करना, और एक लक्षण है सत्य। तो ये दो दो धर्म के लक्षण हैं, तो इनका भी पालन करने के लिए श्री जी ने कहा, और कहा कि जो इन चार बातों का पालन करेगा उसे अखंड सुख की प्राप्ति होगी। तो सभी लोगों ने प्रण लिया कि आगे से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हम इन बातों का पालन करेंगे। इस तरह से उन्हें तारतम ज्ञान दिया गया। इस प्रकार जब ठट्ठानगर के लोगों ने सुना कि चिंतामणि जी जैसे इतने बड़े जो आचार्य हैं उन्होंने भी किसी साधु से दीक्षा ली है, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो साधु ही, जब उनको लगा कि इन्होंने दीक्षा ली है तो वो लोग भी आने लग गए। इस तरह से संख्या बढ़ती गई, साथ की आमदनी हुई बड़ी इन बखत, इस तरह लोगों की संख्या बढ़ी। और उन्हीं लोगों में एक थे चतुरा पोह करना, पुष्करण शब्द है उसका अपभ्रंश है पोह करना, ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, श्री जी की सेवा में आते थे, और उनकी सेवा क्या थी, दूध लाने की। जब वो दूध लेकर के आते हैं नियमित, तो उसी क्रम में वो चर्चा भी सुनते हैं श्री जी की,
कभी वो ब्रज की लीला की बातें हो रही होती वो उनके कान में पड़ती है। चर्चा सुनने के लिए नहीं आए हैं, वो आए दूध पहुंचाने के लिए। लेकिन जब चर्चा चल रही होती है थोड़ी थोड़ी देर सुनते हैं, और वाणी क्या कहती है, बेहद बनज का होएगा साथी सो एक लवे होसी टुक टुक। तो उनको थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगती है श्री जी की। ब्रज की बात सुनी, रास की बात सुनी। अब एक दिन उनकी मुलाकात होती है लालदास जी से, लालदास जी के गोदाम में, क्योंकि वो उन्हें भी दूध पहुंचाने जाया करते होंगे। तो वहां उन्होंने लालदास जी से पूछा, क्योंकि उनको पता था कि ये भी भागवत पढ़ते हैं, ब्रज रास की बात करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ब्रज लीला कहाँ अखंड है, रास कहाँ अखंड है, आप तो कहते हो कि ये ब्रह्मांड से परे है, तो वो कहाँ है। लालदास जी कहते हैं कि ब्रज और रास हमारी दृष्टि में नहीं आ सकती है, ये चर्म चक्षु से हम नहीं देख सकते, उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए होती है। चतुरा जी कहते हैं कि आपको दिव्य दृष्टि कब मिलेगी, ऐसा क्या करोगे कि दिव्य दृष्टि मिलेगी। फिर कहते हैं कि पांच तत्व तीन गुण को जब हुआ ब्रह्मांड को नाश, तब ब्रज और रास की ठौर कहां रही खास। जब पांच तत्व तीनों गुण का नाश हो जाता है तो ब्रज और रास कहां रहती है, ब्रज और रास की लीला। अब लालदास जी चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि ये बात आपने कहां से सुनी, जिनसे सुनी वो आप बता दीजिए, मैं जाकर के उनसे मिलना चाहता हूं। चतुरा जी कहते हैं कि कोई साधु आए हैं जो इस तरह से अखंड ब्रज और अखंड रास की बात करते हैं। अब अगला जो प्रकरण है वो है लालदास जी और श्री जी के मिलाप से संबंधित। अब इस प्रकार जब लालदास जी ने कहा चतुरा जी से कि मैं श्री जी से मिलना चाहता हूँ, मैं उन साधु से मिलना चाहता हूँ जो अखंड की बात करते हैं, तो चतुरा जी कहते हैं कि मैं पहले उनसे पूछ लूँ, क्योंकि अनुमति लेनी जरूरी है, तो मैं पहले उनसे पूछ लेता हूँ, उनके हुक्म के बिना मैं आपको लेके नहीं जा सकता हूँ, तो आप बस थोड़ी देर रुक लीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। चतुरा जी गए श्री जी के पास और कहते हैं कि एक सेठ हैं, लक्ष्मण नाम है उनका, और वो आपका दर्शन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। श्री जी ने कहा बुला लाओ। कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उनके अंदर बहुत अहंकार है इसलिए उनसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन श्री जी तो ये नहीं देखेंगे, अगर कोई जीव की कमी भी होगी तब भी नहीं देखेंगे। अगर मिलना चाह रहा है, जिज्ञासु है, तो उन्हें तो उससे मतलब है। और जो पहले के सेठ वगैरह होंगे, हो सकता है व्यापार में स्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन, तो इसलिए कहीं ना कहीं दुर्भावना होगी, ईर्ष्या की, उन लोगों ने मना किया। पर श्री जी ने कृपा की लालदास जी पर और कहा कि आप बुला करके ले आइए। चतुरा जी जाते हैं, लालदास जी को कहते हैं कि अनुमति मिल गई है, आप जा सकते हैं। अब श्री जी को देखते ही लालदास जी के मन का जो संशय है वो समाप्त होने लगता है। मन में जो भी संशय था वो समाप्त हो गया। चर्चा सुनी तो ब्रज की लीला की बातें सुनी, उनके अंदर थोड़ा ईमान आया। चार घड़ी चर्चा सुनी, चार घड़ी अर्थात लगभग डेढ़ घंटे तक चर्चा सुनी, और सुनने के बाद अपने घर में आए। घर पर आ तो गए लेकिन मन उनका श्री जी के चरणों में ही रहता है, सुंदर साथ के बीच में ही रहता है कि मुझे वहीं जाना चाहिए। अब इस तरह से चिंतन कर रहे थे, दो चार बार आते हैं श्री जी से, चर्चा सुनते हैं, बहुत अच्छी भी लगती है चर्चा, लेकिन अभी पूरी पहचान नहीं होती है। तो एक दिन क्या हुआ, जिंदा दास एक सुंदर साथ है, वो माली का काम करते हैं, और लालदास जी के बगीचे में वो काम करने के लिए आए होते हैं। तो वहां जिंदा दास जी लालदास जी को एक दृष्टांत से समझाते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि मुझे श्री जी के स्वरूप की पहचान करा दो, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं मार्कंडेय जी का। मार्कंडेय का दृष्टांत दो प्रकार से दिया जाता है। मार्कंडेय पुराण भी एक ग्रंथ है, भागवत में भी वर्णन आता है, दोनों जगह पर अलग अलग दृष्टांत है, पर दोनों दृष्टांतों का मूल भाव यह है कि मार्कंडेय जी ने नारायण की तपस्या की थी और नारायण ने मार्कंडेय जी को माया दिखाई थी। एक कथा इस प्रकार आती है कि इन्होंने
तपस्या की मार्कंडेय जी ने, और तपस्या करते हुए वरदान ये मांगना चाहा, ये इच्छा व्यक्त की कि मुझे माया देखनी है। तो उन्होंने अचानक स्वयं को पाया कि महाप्रलय के जैसा दृश्य है, हर तरफ जल ही जल है। और इसी बीच उन्होंने बरगद के किसी वृक्ष पर एक बालक को देखा। उस बालक ने श्वास खींचा अंदर, तो मार्कंडेय जी उस श्वास के साथ में अंदर चले गए। अंदर जाकर के देखा तो वहां पर बहुत बड़ी सृष्टि है, बहुत सारे ग्रह उपग्रह सब हैं। और उसके बाद में फिर श्वास बाहर किया तो वो उस श्वास के साथ में बाहर वापस आ गए। दूसरा दृष्टांत आता है, दूसरी कथा आती है कि मार्कंडेय जी ने तप किया, नारायण जब प्रकट हुए तो वो मन ही मन वरदान मांग रहे हैं कि मुझे माया देखनी है। नारायण को चंदन करने के लिए वो चंदन घिस रहे हैं, इतने में वो अपने आप को पाते हैं कि जल प्रलय का दृश्य है और मार्कंडेय जी बह रहे हैं पानी में, लेकिन वो वहाँ स्त्री के रूप में है। और बहते बहते वो किसी जगह पर पहुँचते हैं, एक धोबी होता है वो उनको निकालता है, मार्कंडेय जी को जो कि अब स्त्री के रूप में है, उनको निकाल करके। अब क्योंकि वो तो अपने अस्तित्व को भूल गए हैं कि मैं मार्कंडेय हूँ, तो धोबी से उनकी शादी हो जाती है। अब ये धोबिन है, एक साल हुआ, दो साल हुआ, इस तरह से साल बीतते गए, इनके बच्चे होते गए, कई बच्चे भी हुए। और धोबी मार्कंडेय जी को रोज डांटता था, लड़ता था, मारता था। तो उन्होंने सोचा, अभी तो धोबिन है ना, तो सोचा कि ऐसे जीवन से तो मरना ही उचित है। वो मरने के लिए तैयार होते हैं, इतने में नारायण पहुंचते हैं एक साधु के वेश में और कहते हैं कि मार्कंडेय जी की कथा सुनाते हैं तभी हम प्रसाद पाते हैं। अब उन्होंने कथा सुनानी चाही, धोबिन ने कहा कि नहीं, मेरे पास कथा सुनाने का समय नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं बिना भिक्षा लिए चला जाऊंगा। फिर सोचते हैं कि मरते मरते भिक्षा तो दे जाऊं, कुछ अच्छा काम कर जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है। नारायण ने कहा कि मैं पहले कथा सुनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ, पर जल्दी सुनाओ। तो नारायण ने वो सारी कथा संक्षेप में सुनाई कि एक मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, उन्होंने इस प्रकार से तप की थी, माया देखने की इच्छा व्यक्त की थी, फिर उन्होंने अपने आप को जल प्रलय में पाया एक स्त्री के रूप में, धोबिन के रूप में। फिर बहते हुए आई एक धोबी ने उसको निकाला, अब धोबी के साथ शादी हुई, तब वो धोबिन हुई, फिर उनके बच्चे होते गए। इतना कहते कहते तो बात समझ में आने लगी कि अच्छा ये तो मेरी ही बात हो रही है। जब पूरी बात पता चली कि ये तो मेरी ही बात है, अचानक से चौंक गए। कहाँ चौंके? अपने मूल में, जहां वो मार्कंडेय के रूप में थे। तो इन दोनों दृष्टांतों को हम समझ सकते हैं कि दोनों दृष्टांत से हमें राज्य की पहचान कराई जा रही। जिस तरह से नारायण ने मार्कंडेय को माया सुनाई, माया दिखाई, हमें किसने दिखाया? हमें राज्य ने माया दिखाई। वहां नारायण माया से निकालने के लिए गए, तो हमें माया से निकालने के लिए कौन आए? साक्षात राज्य आए और आकर के हमें जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो श्री जी की पहचान कराई कि जिस तरह से मार्कंडेय जी को नारायण ने माया दिखाई और जगाने के लिए भी नारायण गए, इसी तरह से श्री जी साक्षात अक्षरातीत हैं, जो हमें माया दिखाने के बाद इस माया से काढ़ने के लिए, निकालने के लिए आए हुए हैं। इस तरह से जब समझाते हैं तो उनकी लौकिक दृष्टि उतर जाती है और उनके हृदय में जागृत बुद्धि का ज्ञान आता है। अब उनके अंदर अज्ञानता समाप्त हो गई। इस प्रकार अब लालदास जी की जागनी होती है। अब लालदास जी की भी जागनी हुई, चिंतामणि जी की भी जागनी हुई। अब लोगों को और अधिक बल मिला कि देखो, इतने बड़े सेठ ने तारतम लिया, इतने बड़े पंडित ने, गुरु हैं किसी संप्रदाय के, उन्होंने तारतम लिया, तो लोग बहुत सारे आने लगे। तो इसमें क्या हो गया कि कोई निंदा कर रहे हैं, कोई अच्छा कह रहे हैं। दुनिया तो कहती ही है, स्तुति भी होगी, निंदा भी होगी। तो जो पहले के कथावाचक थे वो निंदा करने लग गए, बहुत निंदा की, लेकिन उनका कुछ भी नहीं चला और बहुत सारे सुंदर साथ वहां पर
तारतम ज्ञान ग्रहण करके शामिल हुए। चिंतामणि जी के साथ में उनके सहयोगी आए, लालदास जी आए, उसके अलावा मोहनदास, रामदास, भगत, श्यामल, कुंवर जी, गोवर्धन, रायचंद्र, किशनबाई, ये सब बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिनका नाम अभी मैं सभी का नहीं ले रहा हूँ। तो ये सब सुंदर साथ में शामिल होते हैं। कहते हैं, और चिंतामन के संग आया केतिक साथ, तामे ईमान दाखिल वह भय, जाके धनी ये पकड़े हाथ। ईमान लेके कौन आता है? जिसका हाथ राज्य पकड़ते हैं। और राज्य किसका हाथ पकड़ते हैं? जो राज्य की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। कम से कम हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, हम हाथ पीछे करके दे ही ना और कहें कि राज्य हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, तो फिर हमारी गलती है। इस संसार में यही होता है, हम कहते हैं कि राज्य उन पर तो मेहर करते हैं, हम पर नहीं करते। कारण यही है कि मेहर को लेने के लिए हमने हाथ आगे किया ही नहीं। अब इन सब सुंदर साथ को देख करके कलियुग, माया, अज्ञानता, दज्जाल डरता है, लेकिन सोचता है कि मेरा तो कुछ चल नहीं रहा। वहाँ के जो गुसाई रहते हैं, वहाँ के जो राधा वल्लभी मार्ग के लोग रहते हैं, वे निंदा करने लगते हैं, पर फिर भी किसी का कुछ चलता नहीं है। इस प्रकार श्री जी ठट्ठा नगर में 10 महीने तक रहे। इन 10 महीनों में ये जो जागरी हुई, जिनका नाम संक्षेप में बताया, अब वहां से, क्योंकि पहले कहां से निकले थे? ठट्ठा नगर से मस्कत जाने के लिए, पर 17 दिन नाव चलने के बाद उल्टा वापस आए थे। तो अब कह रहे हैं, मौसम भई मस्कत की। पहले मौसम क्या था? प्रतिकूल था। अब मस्कत जाने के लिए मौसम अनुकूल है, अब हवा उसी प्रकार की चल रही है। तो उन्होंने सुंदर साथ से विदा ली और मस्कत जाते हैं। सुंदर साथ पहले तो मना करते हैं, लेकिन श्री जी ने कहा कि मुझे वहां जाना पड़ेगा, क्या पता किस ब्रह्मात्मा की जागनी हो वहां पर। इसीलिए राज्य ने हृदय में ले लिया है, अब मुझे जाना है। इस प्रकार ठट्ठा नगर से चल करके पहुंचते हैं लाठी बंदर, क्योंकि ठट्ठा नगर शहर है, लाठी बंदर बंदरगाह है। बंदरगाह में पहुंच करके नाव चढ़ते हैं और फिर पहुंचते हैं मस्कत। मस्कत जैसे ही पहुंचते हैं, वहां समंदर के किनारे पर ही पास में ही महाव जी की दुकान होती है। उनसे जाकर के पूछते हैं, तो महाव जी भाई, लौकिक संबंध होने के कारण, मिहिर राज जी से लौकिक संबंध होने के कारण आव भगत करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर भाव करते हैं, और फिर जो बंधन में सुंदर साथ थे उनके बारे में श्री जी पूछते हैं। वहां विश्वनाथ भट्ट एक सुंदर साथ हैं, उन्होंने बाईजी राज जी की खबर दे दी। साथ में रूपा और राधाबाई, ये 2 सुंदर साथ हैं, वो भी बंधन में, उनकी भी खबर दी। इस तरह महावजी भाई ने श्री जी को ठहरने के लिए पास में ही एक जगह रहने के लिए दी। बड़े आदर से रसोई कराया, भोजन कराया, पर अभी पहचान नहीं है। आदर जो कराया जा रहा है वो लौकिक नाते से कराया किया जा रहा है, पर अभी श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं है। अब श्री जी ने भोजन किया, चर्चा करने लग गए। तो महावजी भाई की जो दुकान होती है, दुकान में कौन देखता है? उनका बेटा कान्हजी। इस प्रकार चर्चा होने लगती है, श्री जी ठट्ठा नगर की बीतक बताते हैं। फिर उसके बाद अब वहां जब श्री जी मस्कत पहुंचते हैं, तब तक कई सुंदर साथ उनकी बिरादरी के भिन्न भिन्न सेठों के द्वारा छुड़ाए गए होते हैं। उस समय, आज भी वैसे तो गुजरात की तरफ देखा जाए तो इसका प्रचलन बहुत है, या गुजरात में ही नहीं, हो सकता है सभी जगह पर हो, जाति के नाम पर संगठन होता है, जातीय संगठन। वहां गुजरात की तरफ उसको समाज बोला जाता है, जैसे पटेल समाज होता है इसी तरह से। तो भिन्न भिन्न जाति के लोगों के अपने अपने समाज होते हैं, और अपने अपने समाज के लोगों को, अपने अपने बिरादरी के लोगों को अलग अलग सेठ पैसा देकर के छुड़ा चुके होते हैं। तो उनमें रूपाबाई, राधाबाई भी छूट चुकी हैं, अभी बाईजीराज जी नहीं छूटी हैं। तो श्री जी जब चर्चा करते हैं, तो रूपाबाई, राधाबाई को
जो बंधन में कष्ट हुआ था वो कष्ट भी मिट जाता है। श्री जी इतनी प्यारी चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते करते 10-20 दिन बीत गए, नए लोग आते गए, कई लोग अपने अपने जगह पर निंदा भी करने लगते हैं पहले के जो वहां के भी कथावाचक होते हैं। तो वहां जब लोग निंदा करने लगते हैं श्री जी की, तो कुछ प्रकरण अवतरित होते हैं। आज भी हमने उस प्रकरण का, एक प्रकरण का गायन सुना था कि रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार, मद माती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। ये दुनिया कैसी है? बावरी, बावरी अर्थात पागल है। पागल क्यों है? क्योंकि इस संसार के नशे में, विषयों के नशे में इस प्रकार डूबे हुए हैं, माया में इस प्रकार डूबे हुए हैं कि मेरी पुकार सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। एक और प्रकरण अवतरित होता है कि रेहो दुनिया को तू कहां पुकारे, ये सब कोई है सयाना। एक प्रकरण में उसी दुनिया को बावरी कहा गया है, दूसरे प्रकरण में उसको सयाना कहा गया है। दोनों में थोड़ा विरोधाभास तो है, पर कारण क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया पागल है क्योंकि माया में डूबी हुई है, लेकिन माया की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया बहुत चालाक है। उसको हर तरह की चतुराई का पता है कि माया कैसे इकट्ठी करनी है, इसलिए ये चालाक भी है। फिर एक और प्रकरण अवतरित हुआ कि रे मन भूलना महामत, दुनिया देख तू आप संभार। किस दुनिया को देखना है? दृष्टा भाव से, और स्वयं को संभालना है, स्वयं की चाल सही रखनी है। इस तरह से कुछ प्रकरण वहां पर अवतरित होते हैं। और उधर प्रकरण के साथ साथ में श्री जी की चर्चा होती है, और चर्चा सुनते सुनते महावजी भाई का वहां पर काम होता है। काम होने का तात्पर्य उन्हें श्री जी के स्वरूप की पहचान होने लगती है। लेकिन इसी बीच अब पहचान की तो परीक्षा होगी ना, कि कितनी पहचान हुई है, तो परीक्षा लेनी है। श्री जी ने क्या किया? महावजी भाई की खंडनी कर दी। अब खंडनी हो गई, पूरी पहचान अभी हुई नहीं थी, रास्ते पे थे, मंजिल तक तो पहुंचे नहीं थे। तो जैसे ही खंडनी हुई उनको बुरा लगा और कहते हैं कि मेरे घर में रह रहे हैं, मेरी खंडनी कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा इनकी चर्चा सुनने। वो चले गए दुकान, दुकान में जाकर के अपने बेटे को भेज दिया कि तू चला जा चर्चा सुनने के लिए। अब क्या हुआ कि रात के समय घर भी नहीं आए, श्री जी से मिलना तो दूर की बात है, उनको लगा कि घर जाऊंगा तो पूछेंगे, नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, परेशान होके हो सकता है खुद ही चले जाए, लेकिन राज जी थोड़ी छोड़ेंगे। राज जी ने अपने जोश और जागृत बुद्धि के फरिश्ते को इसीलिए लगा रखा है कि इनको माया में लगने नहीं देना है, इन पर नजर रखनी है। तो वहां रात को महावजी भाई के गाल में जोरदार चांटा पड़ता है। अब सपने में पड़ा है कि जागृति में पता नहीं, पर वो उठ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, गाल सहलाते हैं कि चांटा तो सच में पड़ा है, अभी भी एहसास हो रहा है। देखते हैं दरवाजा भी बंद है, खिड़की भी बंद है, कौन आ सकता है? लेकिन आवाज आती है, उनको अंतः प्रेरणा होती है कि तुमने उन पर क्रोध क्यों किया, क्यों रीस करी इनको, क्यों न दिए तुम कान, तू जा फेर उतही कर देख पहचान। तुम उनसे नाराज क्यों हुए, तुमने उनकी चर्चा क्यों नहीं सुनी, अब तुम वापस चले जाओ वहां पर और उनकी चर्चा सुनो। अब जैसे ही जागे, जागने के बाद वो रोने लग गए क्योंकि उनको श्री जी के स्वरूप की अब पहचान हो गई थी। सुबह सुबह आए, दरवाजा खोलने से पहले बाहर बैठे हुए हैं, श्री जी को जगाया आवाज दे करके, और श्री जी की खुशामदी करने लग गए, प्रशंसा करने लग गए, रो करके प्रणाम करने लग गए और कहते हैं, रोए के कदमों लगा अपनी कही बीतक, मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया है कि राज जी के जोश ने मुझे चांटा मार करके मेरा मुंह राज जी की तरफ कर दिया, अर्थात मुझे राज जी की तरफ मेरा रुख कर दिया। मैं आपकी खंडनी सुनकर के बेजार अर्थात दुखी हो गया था, मैं तो कच्चा साथ में न पहचाना परवरदिगार, मैंने आपकी पहचान नहीं की क्योंकि मेरा ईमान कच्चा था, और यहाँ से चर्चा सुनने में वो
पक्के होने लग गए, प्रवीण होने लग गए। और चर्चा सुनते सुनते श्री जी पर इतना ईमान आया, इतनी उन्हें पहचान हुई कि अब वो श्री जी की सेवा छोड़ ही नहीं रहे हैं, श्री जी के चरणों को छोड़ नहीं रहे हैं, चर्चा नहीं छोड़ रहे हैं। और अवस्था कैसी आई, बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार सो सब लगे लड़ने, ले दज्जाल हथियार। अब महावजी भाई की अब वास्तव में परीक्षा इधर बाहर से है। पहले ईमान की परीक्षा थी, पहले थी पहचान की परीक्षा, अब है ईमान की परीक्षा। ईमान की परीक्षा उन्हें खुद ही देनी थी। कौन कौन लड़ रहा है, बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार। अगर बाहर वाले लोग लड़ते हैं ना तो उनके साथ लड़ाई करना बहुत आसान हो जाता है, पर जब घर के लोग नहीं मानते, जब घर के लोग आपसे लड़ते हैं तो क्या करेंगे। परिवार के सहारे एक इंसान होता है कि अगर कुछ भी हो जाए परिवार मेरे साथ है, लेकिन वो परिवार ही उसके खिलाफ होने लग जाए तो वो कहाँ जाएगा। तो अब ये उनकी असली परीक्षा है। सब अपना अपना हथियार लेकर के लड़ने लगते हैं। बेटा भी लड़ता है, पत्नी भी लड़ती है, पिता भी लड़ते हैं, माता लड़ती है, कुटुंब परिवार के लोग सब उन्हें समझाते हैं कि अब तो तू बैरागी हो गया है, इन सब की क्या जरूरत है, इस तरह से समझाते हैं। लेकिन कहते हैं एह न डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, इनका ईमान नहीं डगमगाया। क्यों, क्योंकि थे श्रीराज इनके साथ। राज्य उनके साथ क्यों थे, क्योंकि उन्होंने राज्य की तरफ हाथ बढ़ाया, भले ही चांटा खा के बढ़ाया हो पर हाथ बढ़ाया। और कहते हैं जाको मदद हक की धनी पकड़े हाथ, राज्य साथ में थे हाथ पकड़ रहे थे और राज्य की मदद थी, इसलिए उनका ईमान नहीं डगमगाया। अब ये तो महावजी भाई की घटना है, पर यहां पर हम सब महावजी भाई हैं, हम सबको चांटे तो पड़े हैं, पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, हम सबके जीवन में कभी ना कभी चांटे पड़े हैं, लेकिन हम संभल नहीं पाए। सबने कहीं ना कहीं माया से धोखा खाया है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको माया के तरफ से दुख ना मिला हो। यदि उस दुख को सोचते तो शायद वैराग्य आ जाता, शायद राज्य से प्रेम होता, लेकिन क्या हुआ, हमने पुनः माया ही पाने की कोशिश की, माया से ही धोखा मिला, माया को ही पाने की कोशिश की, इसीलिए हम महावजी भाई के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। इन्होंने माया से धोखा पाया और राज्य को पकड़ लिया, इसलिए इनका ईमान नहीं डगमगाया। किने ना चला 300 सिर भाना दज्जाल, उनके ऊपर किसी की भी नहीं चली, उन्होंने किसी की दाल नहीं गलने दी और राज्य पर पूरा विश्वास लेकर के आए। और उस समय मस्कत में जो सुंदर साथ आए, उन सुंदर साथ का वो नाम बता रहे हैं कि राधाबाई रूपा और भाटिया प्रधान, खट्टू हीरजी भाटिया, महावजी नारायण, जीवा कानजी, लक्ष्मण रंगानाथी, ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ हैं। अब ये सुंदर साथ आते हैं, चर्चा सुनते हैं, प्रतिदिन उत्सव रसोई होती है, सुंदर साथ आकर के उसका आनंद लेते हैं। और उसी क्रम में एक बंदीवान है, बंदीवान मतलब जिसने बाईजीराज जी आदि को बंदी बना करके रखा हुआ है, वो उन सैनिकों का दरोगा था, अध्यक्ष समझ सकते हैं। और वह आता था, आकर के श्री जी को कहता था कि आप हमें पैसा क्यों नहीं दे देते, इतने समय से आपने पैसा नहीं दिया, अब लगभग 4 वर्ष होने वाला है, 24 में अपहरण किया था, अब लगभग 28 में श्री जी पहुंचते हैं अब्बासी, तो लगभग 4 वर्ष होने को आया। सोचिए कि जितनी वसूली वो कर नहीं पाते उससे ज्यादा तो खर्चा ही हुआ होगा ना, एक व्यक्ति को पालना 4 वर्ष तक कितना खर्चा होता है, ठीक है। तो जितना उनको मिला, ये जितना मिलना था उतना तो खर्च भी हो गया होगा, और क्योंकि छिपते फिरना है जगह इधर उधर तो परेशानी हुई होगी। तो वो आता है और बार बार पैसा मांगता है, श्री जी क्या कहते हैं,
कि सिर पर साहेब जो वह है खबरदार, हमको फिकर न कछुए और कादर भरतार। जो परमात्मा है वो सामर्थ्यवान है, कादर मतलब सामर्थ्य। तो जो परमात्मा है वो सामर्थ्यवान है, हमको उन पर भरोसा है जो हमारे सिर पर है। जब श्री जी की वो दृढ़ता देखी तो वो ढेर हो गया, वो परास्त हो गया कि ऐसा आत्मविश्वास हर किसी में देखने को नहीं मिलता है। और फिर श्री जी की चर्चा सुनने के लिए बार बार पैसा मांगने के बहाने से आता था, बहाना होता था पैसा मांगने का, लेकिन वो आता था चर्चा सुनने के लिए। इस प्रकार चर्चा सुनता था और परमात्मा को शुक्रिया कहता था। इस प्रकार विक्रम संवत 1728 में श्री जी मस्कत में हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बिरादरी के लोगों को छुड़ाया है और यही बात भैरव सेठ तक बात पहुंचती है। भैरव ठक्कर नाम है और लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो मिहिर राज जी की ही बिरादरी में आते हैं। उन्होंने सुना कि सभी लोगों ने अपनी अपनी जाति के लोगों को छुड़ाया है और केवल हमारी जाति के लोग बाकी हैं, तो उनको छुड़ाना है। भैरव ने अपने आदमियों को भेजा, भेज करके पूछा कि कितना देना है, तो पता चला 70,000 लहारी। लहारी उस समय की मुद्रा अब्बासी बंदर की, अब्बासी बंदर मतलब आज के हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ जो ओमान देश है ना उसको अब्बासी बंदर कहा जाता है। भारत देश से बाहर है पर उस समय तो भारत ही था, भारतवर्ष ही था, भारतीय लोग ही वहाँ पर रहते थे। तो उन्होंने कहा 70,000 रुपये, तो इन्होंने सारी व्यवस्था कर दी उसकी, 70,000 लहारी की व्यवस्था कर दी और उसको दे करके बाईजीराज जी सहित उस बिरादरी के जितने लोग थे उन सबको छुड़ाया। इस प्रकार अब श्री जी मस्कत बंदर से सुंदर साथ से विदा लेकर के आते हैं अब्बासी। आकर के भैरव सेठ से मुलाकात करते हैं, भैरव श्री जी को अपने घर लेके जाते हैं और सेवा करने लगते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं, देश विदेश की बात पूछते हैं, आपस की पहचान होती है, रसोई के लिए आदर करते हैं, पास में रहने की जगह देते हैं और अपने घर में बुलाते हैं। अपने घर में बुलाकर श्री जी के लिए बिछौना बिछाते हैं, वहाँ श्री जी को पधराते हैं। एक तरफ अब भोजन बन रहा है, श्री जी पहुँचे हैं सुंदर साथ भोजन बना रहे हैं, लेकिन श्री जी शांति से थोड़ी बैठेंगे, श्री जी क्या करेंगे, श्री जी करेंगे चर्चा, क्योंकि वो तो आराम करने के लिए आए ही नहीं है, वो आए हैं ब्रह्मात्माओं की जागनी के लिए। तो अब श्री जी चर्चा करने लगते हैं, ब्रज की चर्चा होती है, भैरव सेठ बहुत ध्यान से सुनते हैं और चर्चा सुनते सुनते 2 प्रहर बीत जाती है। लगभग 12 बजे के बाद का समय होता है, भोजन का समय हो गया। सुंदर साथ आकर के श्री जी से अर्जी करते हैं तो कि भोजन का समय हो चुका है, तब श्री जी उठते हैं। भैरव सेठ अपने घर गए भोजन करने के लिए, श्री जी फिर से आए भोजन करने के बाद पुनः बैठते हैं और चर्चा करने लगते हैं। इस प्रकार चर्चा करते करते शाम का समय हो जाता है, रात्रि का समय हो गया। रात्रि को कीर्तन का गायन करने लगते हैं सुंदर साथ, ब्रज लीला से संबंधित कीर्तन का। इस प्रकार कीर्तन चर्चा करते करते बहुत ज्यादा रात हो जाती है। भैरव सेठ जाते हैं अपने घर में, लेकिन सुंदर साथ अपनी चर्चा में मगन है। कभी कभी सुंदर साथ को लगता है कि ये जो दिन रात चर्चा का क्रम है वो पन्ना जी पहुंचने के बाद का है, पर ऐसा नहीं है। जहां भी श्री जी ठहरे हैं यात्रा के क्रम में तो दिन रात चर्चा नहीं हो सकती है, पर जहां जहां भी ठहरना हुआ है वहां की दिनचर्या ऐसी ही है, वो तो हमने ध्यान नहीं दिया है। वरना आप देखेंगे दीप बंदर में भी है तब भी आराम के लिए कहा जाता है, तो कहते हैं हम ना आए पौड़न को हमारी तो और गरज। महावजी भाई को मस्कत बंदर में भी इसी तरह से चर्चा सुना रहे हैं और अब्बासी में भी चर्चा इसी तरह से करते हैं। बाकी जगह तो निरंतर यात्रा का वर्णन है ना, चर्चा का कहीं वर्णन नहीं है। वरना जहाँ जहाँ चर्चा की बात आए कि वहाँ दिन रात चर्चा होती है। और कैसे चर्चा हो रही, भैरव सेठ चले गए फिर चर्चा होत होत होए गई फजर, चर्चा होते होते सुबह हो गई।
उठे दातोन पानी को भैरव खुली नजर। अब सुबह हो गई तो सब दातोन पानी के लिए नित्य क्रिया के लिए उठ जाते हैं, तब भैरव की नजर खुलती है। वो उठते हैं, आते हैं श्री जी के पास तो देखते हैं कि कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ श्री जी के पास बैठे हैं, कुछ जो रात को सो गए थे अपने समय पर वो दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रकार पुनः भैरव सेठ आते हैं, सुबह की नित्य क्रिया करके फिर से चर्चा प्रारंभ होती है। अब इसी तरह चर्चा के क्रम में एक दिन भैरव सेठ के साथ दो मुल्तानी संत आते हैं। मुल्तानी मतलब मुल्तान के, मुल्तान पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में, पर उस समय जो संत थे वो थे नानक जी के शिष्य। उनके पास कबीर जी की साखी की कुछ किताबें थी, उस समय तो आज के जैसे कागज भी नहीं होते थे, फिर भी उनके पास कबीर जी की साखी की किताबें थी। उनके उन्हें इसका अर्थ पता नहीं चल रहा था। श्री जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप इसकी चर्चा कर दीजिए। श्री जी ने उनकी चर्चा सुनाई, कुछ दिन तक चर्चा सुनी, फिर जितना उनका अंकुर था, जितना संबंध था, उसके आधार पर लाभ लिया, ज्ञान चर्चा सुनी और वो वापस चले गए। अब अब्बासी बंदर में ही एक माता है, उनका नाम है तेजबाई। आती हैं दर्शन करने के लिए, चर्चा सुनती हैं और श्री जी के चरणों में पूर्ण ईमान लेके आती हैं। कीर्तन सुनने से उनको बहुत अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है और कीर्तन सुनते सुनते वो श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाती हैं। और उनके साथ जो सखियां आई होती हैं, जो और महिलाएं आई होती हैं, वो भी श्री जी के चरणों में समर्पित होती हैं और अब वो नियमित रूप से चर्चा सुनने आने लगती हैं। घर में उनका मन ही नहीं लगता है। अब एक दिन क्या हुआ कि भैरव सेठ से श्री जी ने कहा कि भैरव, आपने हमें यहां बुलाया, हमारी सेवा भी की, सुंदर साथ को 70,000 रुपए देकर के छुड़ाया भी। सोचे उस समय की 70,000 मुद्राएं आज के युग में देखा जाए तो कितना होगा, कम से कम 7 करोड़ होगा मैं मानता हूं। तो इतना अधिक धन दिया उन्होंने सेवा के लिए। तो श्री जी कहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी सेवा की तो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं बदले में, जिससे कि तुम्हारी सेवा का बदला चुकाया जा सके, क्योंकि मेरे पास जो कुछ ज्ञान है वो तो मैं तुम्हारे आगे रख ही रहा हूं। भैरव सेठ कहते हैं कि श्री जी साहब, आपने मुझ पर मेहर की और मेहर करके इतनी बड़ी ज्ञान चर्चा की, अब बस मुझे भगवान के चरण प्राप्त हो, क्योंकि अभी पूर्ण पहचान तो हुई ही नहीं है, तो उसी भाव में बोल रहे हैं कि मुझे भगवान के चरण प्राप्त हो जाए घर में बैठे बैठे। श्री जी ने कहा कि मैं कुछ परहेज बता रहा हूं, उन परहेज का तुम्हें पालन करना है और तुम पालन करोगे तो सरलतापूर्वक तुम्हें परमात्मा के चरण प्राप्त होंगे, और वो भी 1 महीने के लिए करना है, और अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो तुम हमें भेज देना, हम अपने घर चले जाएंगे, फिर तुम अपना जारी रखना जो करना हो। और क्या कहा, पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ परदारा चोरी न कब, तंबाकू का सेवन करना बंद कर दो। तंबाकू क्या है, नशा है एक तरह का। आज जो लोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का इन सब का सेवन करते हैं, इन सब में मूल जो इंग्रेडिएंट है वो तंबाकू ही है, और इसमें जो निकोटीन होता है, निकोटीन के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि धुएं के रूप में जाकर के सीधा नशा करते हैं। और भैरव सेठ को श्री जी ने देख लिया था कि ये हुक्का पिया करते हैं, तो अब जिसकी बुद्धि मलिन हो जाए उसको ज्ञान चर्चा में या कोई विद्वान की तो बात ही छोड़ दीजिए, साक्षात परमात्मा भी आकर के कहे ज्ञान चर्चा सुनाए तब भी उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि मलिन है। इसलिए उन्होंने कहा कि तंबाकू और तंबाकू जन्य हर पदार्थ का सेवन करना छोड़ दो। जो भी सुंदर सा तारतम लेने के बाद भी इन चीजों का सेवन करते हैं तो वो सुंदर सा नहीं है, क्योंकि ये तो पहले दिन ही परहेज कराया जाता है,
कि इन चीजों का सेवन नहीं करना है। ये केवल भैरव सेठ के लिए थोड़ी है। मैं कहीं पर भी जाता हूं तो इस विषय में मैं जरूर बात करता हूं कि इन चीजों का परहेज करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो श्री जी भैरव सेठ से कोई दुश्मनी थोड़ी थी कि उनसे परहेज करा रहे और हमें नहीं कह रहे। तारतम लेने से पहले इन बातों का परहेज कराया ही जाता है। तो उन्होंने कहा तंबाकू का सेवन नहीं करना है, मांस मछली का सेवन नहीं करना है, और मांसाहार क्यों नहीं करना ये तो मैं आज की चर्चा में पूरी तरह विस्तार से बता चुका हूँ। शराब के लिए भी मना किया और हर तरह के कैफ अर्थात हर तरह के नशे के लिए, क्योंकि तंबाकू में तंबाकू तो आ गया, अब कोई गुटखा का सेवन करता है आजकल, कोई किसी और नशे का, तो हर तरह के नशे के लिए श्री जी ने मना किया। और साथ में कहा परदारा परस्त्री गमन नहीं करना है और चोरी नहीं करनी है। अगर तुम इतनी बात का परहेज करते हो एक महीने तक तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, तुम्हें परमात्मा का आनंद मिलेगा। भैरव सेठ ने कहा कि अगर ऐसी बात है फिर तो ये बहुत आसान है। एक महीना छोड़ने से, केवल इतनी मेहनत करने से, केवल इतना त्याग करने से यदि हमें परमात्मा की प्राप्ति होती तो सौदा सस्ता है, और क्या चाहिए। उसी वक्त उन्होंने क्या किया, पास में हुक्का रखा हुआ था उसको पटक के तोड़ दिया और उन चारों बातों का प्रण लिया और घर में भी बता दिया। रसोई मिने मने भाई, रसोई में उन्होंने मना किया, मांस मछली करो जिनकोए, हमारी रसोई जुदी करो, होए गया विरक्त सोए। उन्होंने कहा कि आज से मेरी रसोई अलग करना, मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा। हुक्का तो तोड़ ही दिया। अब क्या कहते हैं, घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, घर के लोग बड़बड़ाने लगे, कहते हैं कि कौन आया पता नहीं हमारे घर पे, पता नहीं क्यों इस तरह से परहेज कराया जा रहा है, इनको पिंड तो इनमें था, इन पर गुजरान, इनका तो शरीर ही इस पर चलता था, इसके बिना गुजारा ही नहीं होता था, मांस खाए बिना इनका गुजारा नहीं होता था, हुक्के के बिना गुजारा नहीं होता था, और पता नहीं ये कौन साधु आ गए हैं जो इनको छुड़ा रहे हैं। इस तरह से बेईमानी में, बिना ईमान के, बिना पहचान के वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो भैरव सेठ को बुरा लगा, उन्होंने खींच करके कहा कि ये परहेज तो मैंने कुछ दिनों के लिए ली है, अगर मुझे दर्शन नहीं होते तो मैं छोड़ दूंगा। इस तरह से भैरव सेठ ने किसी की बात नहीं सुनी और दृढ़ निश्चय करके उन्होंने अब चर्चा सुनना शुरू किया। पहले दिन की चर्चा सुनी, दूसरे दिन की सुनी, तीसरे दिन की सुनी। तीन दिन की चर्चा में उन्हें क्या हो गया, तीसरे दिन ही चर्चा में खड़े हो गए और श्री जी से कहते हैं कि श्री जी साहेब, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्राप्त, पाया माया माहे भेद। कि अब जिसका मैंने एक महीने के लिए परहेज कराया किया था, अब मैं पूरे जीवन भर के लिए इनका त्याग करता हूँ, क्योंकि मुझे माया में जो वस्तु प्राप्त करनी चाहिए थी, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं प्रयास कर रहा था, आप प्रयास कर रहे थे, वो मुझे इस माया में प्राप्त हो गया है। इस प्रकार भैरव सेठ को तीसरे दिन ही राज्य का दर्शन होता है। अब आपको संशय हो रहा होगा, कईयों को, कि हमने भी तो अपने जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया है, कभी शराब नहीं पी है, किसी तरह का नशा नहीं किया है, परस्त्री गमन भी नहीं किया है, हम चोरी भी नहीं करते, और भैरव सेठ को तो तीन दिन में हो गया। हम तो कई बार, जैसे सामान्य रूप में और कोई झूठ बोलता है छोटी मोटी बात पर, लेकिन कई बार तो होता होगा ना कि लंबे लंबे समय तक झूठ नहीं बोलते होंगे, कभी मजबूरी में बोल लेते होंगे। उनको तीन दिन में हो गया, कम से कम हमें तीन हफ्ते में तो हो जाए, है कि नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ खाया नहीं है बचपन से। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जन्मजात मांस स्पर्श भी नहीं किया है, खाना तो बहुत दूर की बात है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो प्रश्न होगा कि भैरव सेठ को तीन दिन में हो सकता था, हमें क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है पता है? भैरव सेठ ने अपना दिल दिया श्री जी को, पूरा समर्पण किया। उन्होंने जो मांस इत्यादि छोड़ा है ना, हमने तो छोड़ा नहीं, क्योंकि छोड़ा तो तब होता जब हमने पकड़ा होता। अगर
हम किसी चीज का सेवन कर रहे होते और हमारी अवस्था भैरव सेठ जैसी होती। भैरव सेठ कितने ज्यादा खाते थे पता है आपको? ये लोग कह रहे हैं घर के लोग कि इनको पिंड तो इन पे, इनका तो शरीर ही उस पर चलता था, अब कैसे गुजारा होगा। हमारा भी प्राण जिसमें बसा हुआ है ना इस माया में, अगर उस चीज का हम त्याग करते हैं तो समझ लीजिए कि हम भैरव सेठ के जैसे त्यागी हैं। मांसाहार तो स्वाभाविक रूप से हमने किया ही नहीं कभी, तो उसमें हमारा जीव है ही नहीं, तो हमारा त्याग क्या होगा। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, अगर आपको कह दिया जाए कि एक महीने तक आपको मोबाइल या किसी भी प्रकार के मीडिया को टच नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है, और अगर आपको आदत है उस चीज की, किसी को आदत ही नहीं है तो काम नहीं करेगा, पर अगर आपको उसकी आदत है लेकिन राज्य के नाम पर अगर छोड़ रहे हैं तो वो त्याग है। जैसे अगर हमें खूब मिर्च मसाला तीखा चटपटा खाने की आदत है और अगर हम राज्य के नाम पर छोड़ पाते हैं तो वो त्याग है, समझ रहे? लेकिन हमसे तो हमारा प्राण जिसमें बसता हो वो नहीं छूटता है ना। बात है यहाँ पर कि जिसको हम छोड़ रहे हैं वो हमारे लिए कितना प्रिय था। वो कोई भी हो सकता है, वो भोजन भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, वो कोई संबंध भी हो सकता है, पर जिसको राज्य के लिए हम छोड़ रहे हैं उस पर हमारा प्राण बसता है कि नहीं बसता है। अगर प्राणनाथ को पाना है तो फिर जिस पर दुनिया के किसी भी विषय पर प्राण बसता होगा तो उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। भैरव सेठ ने उतना बड़ा जो त्याग किया है वो उसका कारण ये है कि कहते हैं इनको पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरा, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं होता था, और उन्होंने श्री जी के आदेश पर उस चीज का त्याग किया और श्री जी के प्रति उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ त्याग किया, जिस त्याग के फलस्वरूप उन्होंने राज्य को प्राप्त किया। भले ही वो तामसी भोजन कर रहे थे पर जैसे श्री जी ने कहा उन्होंने उस तामसी भोजन का मोह छोड़ दिया। उन्होंने श्री जी की बात को, परिवार के लोग तो लड़ रहे थे लेकिन श्री जी की बात को उन्होंने वरीयता दी। आज हमारा ईमान तो परिवार के सामने कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। हम परिवार के लोग अगर दबाव देंगे तो कहेंगे कि निराज जी तो समझ ही जाएंगे, ये लोग समझ नहीं रहे हैं तो इनके हिसाब से कर लेते हैं। तो इसलिए हमें, हम में वो योग्यता नहीं आ पाते कि 3 दिन में दर्शन हो सके। यदि हम भी जिस जिनमें प्राण बसता हो उसका त्याग करेंगे तो हम शीघ्रतापूर्वक राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। 3 दिन तो एक चलो समय है, भले ही 3 दिन में प्राप्त न हो, हाँ अगर भैरव जैसा समर्पण होगा तो 3 दिन भी बहुत बड़ी बात है। राज्य तो क्या कहते हैं, पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे मिने पलक, तो पल भर में राज्य प्राप्त हो सकते हैं, पर पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से, पूरे एकाग्रता से, पूरे समर्पण से हमें उसका त्याग करना होगा राज्य को पाने के लिए, तो तब जाकर के हमें दर्शन हो सकते हैं। अब इस प्रकार भैरव सेठ को 3 दिन में दर्शन हो गए। अब यहां अब्बासी में एक माता है जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले आया था, जिनका नाम है तेजबाई। तेजबाई के साथ में सारी महिलाएं आती है और अब उन महिलाओं के जो पति है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि महिलाएं आती थी दिन में श्री जी से चर्चा सुनने के लिए, तो शाम का रात का भी भोजन बना करके छोड़ के आती थी कि रात को जाकर अगर पति घर पर पहुंचे तो खाना खा सके। उन्होंने सोचा कि पता नहीं कौन आ गया है, कौन साधु आया है जिनकी वजह से हमें ताजा खाना नहीं मिलता है, सुबह का बनाया हुआ खाना पड़ता है। तो वो अब अपनी पत्नियों से लड़ने लग गए कि तुम उनके घर मत जाओ। तो पत्नियों ने जवाब दिया, कहते हम तो कोई बुरा काम तो नहीं करते, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो भगवान की चर्चा सुनने जाते हैं। एक तो इस देश में कोई साधु आता नहीं है और कोई आ रहा है हमारे भाग्य से तो तुम रोक रहे हो। हम तो परमात्मा के चरणों में अपनी आत्मा सौंप चुके हैं, शरीर तुम्हारे हिस्से की है, अगर तुम्हें रोकना है शरीर को बांध के रख दो, हमारी आत्मा वहां जाएगी।
अब इस तरह से जब बोला तो उन सेठों को लगा कि ये तो सुनने वाले नहीं है। उन्होंने सोचा कि जो तेज बाई है वो इनकी नेता है, आत्मजागृति महिला मंडल की सदस्य है, तो उन्होंने जाकर के तेज बाई से रोकने का प्रयास किया। कहते हैं कि आप वहाँ भैरव के वहाँ मत जाया कीजिए, आपकी देखा देखी हमारी पत्नियाँ चली जाती है और हम परेशान हो जाते हैं घर पे। तेज बाई जी ने कहा कि मुझे क्यों मना कर रहे हो, तुम मेरी अवस्था नहीं देखते, मेरी उम्र इतनी अधिक हो चुकी है कि अब मेरी उम्र है भक्ति करने की, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा समय मुझे भक्ति में देना चाहिए और तुम मुझे रोक रहे हो, मुझ पर तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हें अगर रोकना है तो अपनी पत्नियों को रोको, मुझे तो तुम नहीं रोक सकते, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। अब इन्होंने सोचा कि किसको रोका जाए, भैरव सेठ से जाकर के पूछते हैं, तो भैरव सेठ कहते हैं कि देखो मेरे घर पे अगर कोई आएगा मैं मना तो नहीं कर सकता, आपको रोकना है अपनी पत्नी को रोकिए। अब कोई किसी के रोके नहीं रुक रहा है। इस प्रकार अब सभी लोग चर्चा सुनने आने लगते हैं। कहते हैं साथ नाम केते कहूँ अब्बासी बंदर के, एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद भाई जे। अब बहुत सारे सुंदर सत आते हैं, भैरव ठक्कर देवचंद्र भाई है, अमरिया अमोलक, इंद्रावती बाई, राधा बाई, फूल बाई, लच्छू बाई, तेज बाई, किसनी, जसोदा बाई, और भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं। नाम कहाँ तक लिया जाए, अब इस तरह से नियमित रूप से चर्चा होने लगती है, चितवनी होने लगती है। श्री जी कहते हैं, श्री लालदास जी, कि चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चित्त राज को साथ तरफ बढ़ते चला। और चर्चा भी होती है, चितवनी भी होती है, और अब श्री जी का चित्त भी सुंदर साथ की जागनी में लगा रहता है। नई नई चर्चा सुनाते रहते हैं, नए नए सुंदर साथ आते हैं, ब्रज की रास की बातें सुनते हैं, और जो भी नया सुंदर साथ आता है, भैरव सेठ उन सुंदर साथ का बहुत अधिक सम्मान करते हैं, और उन क्योंकि भैरव सेठ का दिल अब श्री जी से बंध चुका है, अब उनके मन में ये नहीं है कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा धन है, उनके मन में तो सेवा की इच्छा है। आप सोचिए कि जब पहचान नहीं थी तब भी उनके मन में लालच नहीं था, 70,000 लहारी उन्होंने उनको छुड़ाने के लिए दी थी, अब तो श्री जी की पहचान हो चुकी है, तो उन्होंने पहचान करके सेवा की। इस तरह से लगभग 3 महीने बीत गए। श्री जी ने सोचा कि अगर हम 1 वर्ष तक रहते हैं यहाँ तो हो सकता है जागनी बहुत ज्यादा हो, पर एक ही बंदरगाह में अगर अटके रहे तो क्या होगा, जो बहुत बड़ा काम है वो नहीं हो पाएगा। वो काम कौन सा है, शकुंडल और सकुमार को जगाने का, और जब शकुंडल और सकुमार की आत्म जागृति होगी तो उनके द्वारा, क्योंकि देवचंद्र जी ने कहा है कि वो राज घराने में आई है, तो उनके द्वारा बहुत बड़े स्तर पर जागनी होगी, इसीलिए हमें शकुंडल और शाकुमार को जगाना है। ये विचार करके अब किस तरह से श्री जी अब्बासी बंदर से निकलना चाहते हैं, भैरव सेठ निकलने नहीं देना चाहते, तो ऐसी कैसी भूमिका बनती है कि किस प्रकार श्री जी यहाँ से निकलते हैं, अब्बासी बंदर से पुनः ठट्ठानगर कैसे पहुँचते हैं, और वापस ठट्ठानगर से लाठी बंदर होते हुए कैसे अब धाराबाई से मुलाकात होती है, बिहारी जी से किस प्रकार मिलते हैं, और आगे की जागनी कैसे होती है, इन सब की चर्चा सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दो रहिए। बात बड़ी है करनी, आवे शकुंडल सकुमार, विस्तार होए ब्रह्मांड में, जाको वार न पार, जाको वार न पार। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।